इंडिया तक राज देवी न्यूज चैनल के सभी न्यूज आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए आप लोग लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाएं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुर्ला में भी भारी भीड़ देखा जा रहा है। आगे हम आपको विशेष खबर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित पाया गया है, घर में ही उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आ रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, अभी अभी खबर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। जगह जगह पे चेक इन पोस्ट बनाया जा रहा है, जो गाड़ी इधर उधर से आएगा उसको चेक इन किया जाएगा। आज रात को लॉकडाउन होने जा रहा है, 144 धारा लागू करने जा रहा है। देख सकते हैं हर जगह आज से चेक इन जारी हो जाएगा और 15 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। ये दादर मार्केट का सीन आप देख रहे हैं, जो हाफ शटर में कुछ दुकानें आज खुला दिखाई दिया और कल से ये भी सारे दुकान बंद रहेगा और जो भी ज़रूरतमंद जो भी है वो चालू रहेगा, जैसे कि बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा और उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेवा, ये सब थोड़ा बहुत चालू रहेगा, 25% चालू रहेगा। इसके अलावा लोकल ट्रेन भी चालू रहेगा और पब्लिक ट्रैवल बहुत ही कम करेंगे, क्योंकि सभी को क्वारंटाइन रहने की सलाह दिए गए हैं। और इसके अलावा बिना मतलब के रोड पे कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि 15 दिन तक 144 धारा लागू रहेगा और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना को बढ़ते देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। और प्रधानमंत्री से उद्धव सरकार ने रिक्वेस्ट किए हैं कि ज़रूरत पड़ने पे फ्लाइट के जरिए वाटला यहाँ पे लाया जाए, ऑक्सीजन लाया जाए, ताकि पब्लिक को जान बचाया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से दुकानें सब अभी भी बंद है और 144 धारा लागू हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं, ये बांद्रा का सीन है, जो अपना जो बांद्रा से लेफ्ट मार के चर्च आता है वहाँ का सीन है ये। और यहाँ पे एक मस्जिद भी है, जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, सारे दुकान, मंदिर, मस्जिद जो भी है सब बंद कर दिया गया है और पूरी तरह से खाली रोड आप देख रहे हैं। ये हर जगह ऐसा ही आपको खाली नज़र दिख रहा है और हर जगह यही रोड देखने को मिल रहा है। कल से और खाली खाली रोड आपको दिखाई देगा, क्योंकि 140। और दूसरी बात है कि कुर्ला में गांव जाने वाले जो भी पब्लिक है, पूरी तैयारी से सब लोग यहां से निकल चुके हैं, क्योंकि पिछले साल के वजह से सब लोग फंस गए थे। इसके वजह से सब लोग सोच रहे हैं कि अब नहीं, मुझे रुकना है, अब सब लोग पहले चले जाएँगे। इसके डर से सब लोग यहाँ से निकल चुके हैं और गांव जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। जो बेरोजगार आदमी है, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं और जो कंपनी में भी काम करते हैं, जो दुकानों में काम करते हैं, सारे दुकान बंद हो चुका है। इसके लिए सभी लोग अपने अपने घर जाने के लिए तैयारी में हैं और सभी लोग कुछ पिछले 4-5 दिन से ज़्यादा करके सब लोग निकल गए हैं और जा रहे हैं, सब लोग घर पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बांद्रा का सीन है, जो हाईवे का सीन है, देख रहे हैं पूरी तरह से खाली खाली रोड है, ऐसा रोड कभी खाली।